इंडिया में सबसे ज़्यादा इंजीनियर बेरोजगार क्यों है? मुद्दा वन और जो भी अभी राजस्थान में चला है JEE की कट ऑफ को लेकर, जो RMC बोर्ड के लिए, उसका क्या वही रीज़न है? और भी चीज़ें क्या है क्यों बेरोजगार इंजीनियर, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, वैकेंसीज डिटेल्स हर चीज़ को डिस्कस करने वाले। अभी जो राजस्थान में आज प्रोटेस्ट होने वाला है, बहुत बड़ा पोस्ट है, 10,000 से ज़्यादा लोग जाने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्ज़ाम में। हर घरों में हर जगह सुनते हो कि यार तुम जॉब क्यों नहीं करते, बेरोजगार इंजीनियर, बेरोजगार, हर जगह बेरोजगार का वर्ड इंजीनियर के साथ जुड़ता है। ऐसा क्या रीज़न है? देखो, इंजीनियर मतलब कहीं से IITs वाले, NITs वाले तो नहीं होते हैं, ये प्राइवेट कॉलेज वाले ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा बेरोजगार होते हैं, ये फैक्ट बात है। और रीज़न क्या है, या इनकी पढ़ाई के रीज़न हो सकते हैं या इनकी बैकग्राउंड से रीज़न होते हैं, ठीक है। बट ये भी एक रीज़न है। देखिए क्या होता है, इंजीनियर में वैकेंसीज बहुत कम आती हैं। आपको गवर्नमेंट को डेवलपमेंट अच्छा चाहिए, यार ब्रिज अच्छा बने, आपके पुल अच्छे बने, आपके ओवर क्या कहते हैं रोड अच्छा बने, क्या कहते हैं जो भी अच्छा बने, बट इंजीनियर कैसे जाते हैं? आप एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे, अभी JEE की भर्ती हुई थी, कुछ दिन पहले आई थी, ऑलमोस्ट 500 वैकेंसी थी। तो उसमें देखोगे कि यार 120 नंबर का पेपर था, 109 नंबर का टोटल लास्ट में पेपर बना, क्योंकि 11 क्वेश्चन कैंसिल हो गए, फिर उसमें से कट ऑफ 100+ जा रहा है। उसके बाद वहाँ से 100+ कट ऑफ जाना बहुत बड़ी बात होती है। कितने इंजीनियर, 500 ऐसे इंजीनियर होंगे टॉप क्लास के जो क्रैक कर सकते? नहीं, वहाँ पर सीट भी का रीजन, सीट भी का बिका या पेपर लीक हुआ, दोनों में से एक कुछ हुआ, वहाँ से लोग गए जो ऐसे पैसे दिए 30-40 लाख रुपए खर्च करके सीट खरीदे, और वो इंजीनियर क्या रोड बना सकते हैं, क्या ब्रिज बना सकते हैं? नहीं बना। उसके वजह होती है बेरोजगारी। जो अच्छे इंजीनियर होते हैं वो बेरोजगार इंजीनियर बैठ जाते हैं नॉलेज होते हुए भी। और क्या होती है, और एक अदर एक ये भी रीज़न होता है कि आपका इंजीनियर की वैकेंसीज बहुत लेट आती है, इतनी लेट आती है कि आप इंजीनियर जब तक बूढ़ा हो जाता है और वो फ्रस्ट्रेट हो गए कुछ और कर लेता है, ठीक है। और दूसरी रीज़न ये भी होती है, एग्ज़ाम लेट होना, फॉर्म 2016 में भरोगे और पेपर 2021 में होगा, रिजल्ट लेट निकलना, वैकेंसीज कम, ये सारी चीज़ें इंजीनियर को एक चोड़ कर रख देती है गाइज, और इसी के कारण इंजीनियर बेरोजगार कुछ और करता है। बट अभी जो कंडीशन है JEE की जो भर्ती हो रही है, वहाँ पे प्रोटेक्ट आज होगा, बहुत बड़ा प्रोटेक्ट होगा, आप लोगों को सभी को जाना है। मैं तो यार देखो यार, मैं बहुत दूर रहता हूँ इसलिए जाना बहुत मुश्किल है, बट मेरा सपोर्ट है कि आप लोग सभी लोग जाइए और सपोर्ट करिए, क्योंकि एक स्टेट में हो रहा, हर एक स्टेट में होता है, ऐसा नहीं अभी राजस्थान में हो रहा है तो कल बिहार में होगा, यूपी में होगा या अदर स्टेट में होगा, क्योंकि हर जगह जब AEN और CEN की भर्ती आती है वहाँ तो बिकता है सीटें गाइज। आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप ज़रूर जाइए और प्रोटेक्ट करिए और अच्छे से करिए, और ये CBI जाँच होनी चाहिए राजस्थान JEE की भर्ती में, और हो, और ये निरस्त होना चाहिए वैकेंसी, और निरस्त होकर दोबारा एक अलग वे से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, ये आपका मोटिव होना चाहिए, क्योंकि यार ऐसे नहीं काम चलेगा। जब तक निरस्त नहीं हो कि दोबारा अच्छे से एग्जाम नहीं हो तब तक काम नहीं चलेगा, अन्यथा वही इंजीनियर सेलेक्ट होंगे जो पैसे दिए, अदरवाइज ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, एंड बाय बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद।